हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम। तो कैसे आप सभी लोग? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है कि हमारे दुबई में अजमान के एरिया में एक लेबर भाई लोग के साथ बहुत ही बड़ा कांड हुआ है। वो क्या हुआ है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं दुबई में यहाँ पर 9 साल से ऊपर हो गए यहाँ पर रहते हुए। और दोस्तों, यहाँ पर मैं जॉब के रिलेटेड और कंपनी कौन सी अच्छी कौन सी कंपनी खराब है, किस में आना चाहिए किस में नहीं आना चाहिए दोस्तों, और जो है कि न्यूज़ के रिलेटेड हमेशा दोस्तों मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर में लेबर भाई लोगों के साथ कौन सा कांड हुआ है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि बांग्लादेश से और जो है कि इंडिया से जो है कि बहुत से लोग जो है कि आए हैं यहाँ पर वीजा से जॉब सर्च करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो वो लोग जो है कि आकर एक मस्जिद में रुके थे, ठीक है, और मस्जिद में रुकते थे वो लोग, खाना खाकर रात में मस्जिद में सो जाते थे, सुबह के टाइम जो कि अपना जगते थे, फ्रेश होकर चले जाते थे दोस्तों अपना जॉब सर्च करने के लिए। तो दोस्तों, कल क्या हुआ था कि सभी लोग जो है कि जॉब सर्च करके आए और खाना पीना खाकर जो कि उन लोग जो है कि मस्जिद में सो रहे थे। तो दोस्तों, उसमें से 3 जो है कि बांग्लादेश के हैं और 5 आदमी जो है वो इंडिया का है, ठीक है। वो लोग क्या किए कि VPN यहाँ का यूज करके, यहाँ का जो चाबी हम लोग बोलते हैं VPN यूज करके हम लोग जो बात करते हैं दोस्तों, वो लोग VPN यूज करके और वो लोग जो कि गंदी पिक्चर देख रहे थे, वो भी दोस्तों मस्जिद के अंदर, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर मैं आप लोग को एक वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर VPN यूज करके अगर आप लोग कोई भी गलत काम करेंगे जो दुबई के खिलाफ हो, तो दोस्तों आप लोग को जो है कि यहाँ की पुलिस बहुत ही तगड़ी होती है, यहाँ की CBI बहुत ही तगड़ी, तो आप लोग को मिनट भी नहीं लगेगा पकड़ने के लिए। तो दोस्तों, वो लोग जब यूज कर रहे थे उस टाइम जो वो लोग पिक्चर देख रहे थे, उसी टाइम दोस्तों वहाँ पर जो है कि पुलिस आई और सबको जो है कि 8 आदमी जो वीडियो देख रहा था 8 आदमी को जो है कि दोस्तों उन लोगों को पकड़कर जो है कि जेल में लेकर चली गई। तो दोस्तों, जेल में लेकर जाने के बाद जो है कि यहाँ पर पूरा पेपर में आ चुका है। तो दोस्तों, जेल में लेकर जाने के बाद 1 महीने का जेल उन लोगों को हुआ है और दोस्तों 5 जो है कि 5 महीने का उन लोगों को जो है कि बैन कर दिया गया है, कि मतलब आप लोग 5 महीने तक दुबई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके साथ दोस्तों 15,000 दिरहम का फाइन भी आया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि जितने भी भाई दुबई में हैं वो लोग अगर VPN यूज करते हैं, VPN यूज करके अगर ये लोग गलत चीज़ देखते होंगे, तो दोस्तों मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें, अन्यथा दोस्तों आप लोगों के साथ भी हो सकता है। और जितने भी भाई दुबई आने वाले हैं उन लोगों के लिए अगर वीडियो हमारे देख रहे हैं दोस्तों, तो उन लोगों के लिए जो है कि मैं सतर्क में पहले से बता देता हूँ ताकि आप लोग आएँ तो दोस्तों ये जो है कि गलत काम ना करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं सोचा कि आप लोगों को ये बात बता दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारी बात जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी बात अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों जो भी बात अगर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना होगा तो दोस्तों आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को हमारा जय हिंद जय भारत।